हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद शबीना। आज मैं बनाने वाली हूँ मटन कलेजी। अगर आप इस रेसिपी से मटन कलेजी बनाएंगे तो आपकी जो कलेजी है वो बहुत सॉफ्ट बनेगी और काली भी नहीं पड़ेगी, वो भी बिना अदरक लहसुन के। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कलेजी की पीसेस को कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक पैन में 2 टेबल स्पून सरसों तेल लिया है। यहाँ पे मैं ली हूँ 1 दालचीनी और 1 बड़ी इलायची और 2 तेज़ पत्ते। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 बारीक कटी हुई प्याज। हम इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और जब आपको देखिए ये लाइट ब्राउन हो चुकी है तो अब हम इसमें डाल देंगे 4 से 5, जैसे मैंने बीच से हल्की हल्की कट की है हरी मिर्ची को, उस तरह से आप भी कट करके डाल दीजिएगा। और अब मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गोल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कलीजी की पीसेस, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नमक, आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालिएगा। मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और अब हम इसे ढक के 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। और तब तक मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बता देती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट करिए ताकि मेरी वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपके पास आए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अब हम एक बार इसे खोल के चेक कर लेते हैं, चला लेते हैं एक बार बिल्कुल अच्छे से। और अब हम इसे फिर से थोड़ी देर तक पकने देंगे और ये पक चुकी है अच्छे से। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मीट मसाला। आप मीट मसाला या मटर मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून मीट मसाला डाला है। और अब मैं इसके ऊपर से धनिया पत्ते डाल रही हूँ चॉप करके। और अब मैं इसे एक प्लेट में सर्व कर रही हूँ। और अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही सॉफ्ट है, आप घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरीके से ताकि आपकी कलेजी भी सॉफ्ट बने। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है ना क्या करना है, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट्स भी करिए आपको नेक्स्ट रेसिपी किस चीज़ की चाहिए। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।